जनाब नूर आलम खान साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सबसे पहले मैं भी कंडेम करता हूं सर कि हमारे प्रेस के जो भाई हैं बहुत बाइखलाक और बहुत अच्छे लोग हैं, चाहे इसमें भाई हों बहने हों जितने भी जर्नलिस्ट हैं, तो उसके इनके साथ बदतमीज़ी जो हुई है सर उसको कंडेम करते हैं। और किसी को भी ये इख्तियार नहीं हासिल कि एक जर्नलिस्ट को, क्योंकि उसकी ये राइट है कि वो आज़ादी राय और वो सवाल पूछे, अगर आप जवाब नहीं देना चाहते ना दें, लेकिन आपने एक गाली नहीं देनी। जनाब स्पीकर, आज आपके शुक्रगुजार हैं कि आज हमारे वजीर ख़जाना साहब आ जाते हैं और ये पाकिस्तान की चले गए फिर, अच्छा फिर चले गए, फिर चले गए, ये देखें पाकिस्तान की तकदीर देखें, पाकिस्तान की मिनिस्टर ऑफ स्टेट साहिबा हैं, पाकिस्तान की तकदीर देखें कि ये वज़राए ख़ज़ाना जब भी खाली महंगाई गरीब आदमी पे महंगाई डालना चाहता है तो असेंबली में आ जाते हैं और उनको उस वक्त फिर ये असेंबली के मेंबरान याद आ जाते हैं। जनाब स्पीकर, छतराली साहब आप बैठ जाएं प्लीज़, आपने अपने उस पर बात करनी है। सर मुझे तो, मेरा भी ये दूसरा टेन्योर है और मैं देख रहा हूँ, 2008 में भी था ये, उस वक्त जो अभी इससे पिछले वजीर ख़जाना थे तरीन साहब वहाँ पे भी थे, मैंने पाकिस्तान को तरक्की में नहीं देखा, मैंने बजाय पाकिस्तान या पाकिस्तान के गरीब बंदे को या नौकर पेशा को या हारी को या किसान को या बिजनेसमैन को कोई फ़ायदा मिले, मैंने उसको नहीं देखा, मैंने दो बंदों को फ़ायदे में देखा है। वो जो वजीर ख़जाना थे उन्होंने अपना एक बहुत अच्छा बैंक खोल लिया अपने वक्त में, ए रेटेड था ट्रिपल ए कर दिया। अब मुझे ये हैरानी होती है कि उन, वो भी आजकल टीवी पे वो होते हैं और ये वजीर ख़जाना साहब भी, इनको पता नहीं है सर, ये कहते हैं कि आटा पे, और वो आटा 800 रुपए और 1200 रुपए पे 20 किलो का तैला होता था, आज सर 3600 रुपए का मिल रहा है आपको, 3300 और 3600 बलोचिस्तान में, 3300 आपको पिशावर में मिलता है। इनको मेरे ख्याल में चीनी का रेट पता नहीं है, पहले 50 रुपए की चीनी होती थी, मैं हर एक दौर की बताता हूं, पीपल्स पार्टी के दौर में 25 की थी, फिर जब मुस्लिम लीग नून का दौर आया तो उस वक्त 50 की थी, फिर जब इमरान खान का दौर आया तो उस वक्त 85 की थी, फिर अब जब दौर है तो 120 रुपए की चीनी है किलो। मुझे बताएं इसमें गरीब बंदे को आप क्या, मैं यूरिया का बैग, आप कहते हैं हम यूरिया में जमींदार और मजारों को फायदा देते हैं, 800 रुपए की बोरी थी, इमरान खान साहब के दौर में 2600 के हो गई, अभी 3300-3700 पे चली गई, उस वक्त ये जो डीएपी का खाद की बोरी थी वो थी 2200-2300 की, फिर हो गई 6000 पे मिलने लगी इमरान खान साहब के, 7000 की। अब जब हमारी जरूरत होती है मजारों की जमींदार लोगों की तो 13000 रुपए पे हमें डीएपी की खाद की बोरी मिलती है। आप अगर कारखानादारों को फायदा देते हैं उसके साथ जमींदार और गरीब बंदे का कोई आहारी का कोई फायदा नहीं होता, आप हम पे एहसान ना करें, आप पाकिस्तान के 70% लोगों पे एहसान ना करें। यूरिया आपके कारखानादार आपके अपने होंगे, किसी इदारे के होंगे, हमारे नहीं है, आप कारखानादारों से ले लेना, वो तो हमें कोई फायदा। दवाई आपको सर मैं बता दूं, मैडम आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट साहिबा, दवाइयां महंगी हो गई हैं, आज आप 170% अगर फिर एक हम पे कर्ज का वो जो और भी डालना चाहते हैं, तो आपको पता है पहले भी मैंने यहां पे तकरीर की थी तो उस वक्त के यहां पे, इससे पहले आपसे पहले अभी अभी साल दो साल पहले, तो उसके वजीर आजम को भी बहुत बुरी लगी थी और उस वक्त के वजीर खजाना को भी बुरी लगी और आप लोगों की भी बुरी लगेगी, जब दवाई की शुगर की पेनाडोल की आपने कीमत 2 रुपए महंगी कर ली। आप मुझे बताएं जो पत्ता
15 रुपए का मिलता था, वो अब 60 और 100 रुपए पे मिलेगा। गरीब बंदा कहां से वो करेगा, 800 रुपए उसकी सारी दिहाड़ी होती है सर, 800 रुपए मैक्सिमम, 800 रुपए गांव में उससे भी कम होती है। आप सिंध में जाओ, पिशावर में जाओ, सदरन पंजाब में जाओ, बलोचिस्तान में, उस कौन अफोर्ड कर सकता है। सर आप बिजली की महंगाई की बात करें, आप कहते हैं कि डिफॉल्ट वो पकड़े, फ्री बिजली, बिजली बिल खत्म करें। वो अफसरान को आप 1300-1300 यूनिट देते हैं, बिल आप उस गरीब बंदे से ले रहे हैं। उस गरीब बंदे से आप बिजली का बिल लेते हैं सर, और आप हमें गुनाहगार करते हैं, हमारे गरीब वोटरों को, कि आप पे हम बिजली बिल बढ़ाएंगे। सर थोड़ा सा इंसाफ, थोड़ा सा सोचना चाहिए। राजा साहब आप भी सर, आपका भी देही इलाका है, मुझे बताएं, ये कहते हैं बिजली, बिजली देते कहां है, 24 घंटे तो बिजली नहीं होती। जरा लॉसेस का वो करें, 1956 के तारे लगी हुई होती हैं। हम एमएनएस का काम नहीं है अपग्रेडेशन और वो करना, हम भी ट्रांसफार्मर लगाते हैं, गैस पाइप लगाते हैं, क्या ये हमारा काम है? नहीं, लेकिन हम ये काम करते हैं सर। और वो इदारे, वो अफसरान, गरीब बंदे को बिजली नहीं होती, हमारी माए बहनें बिजली वहां पे गर्मी से जल रही होती हैं, और वो अफसरान ठंडे कमरों में बैठे होते हैं बिजली वालों के भी, सर्दी में जो गैस वाले होते हैं उनके अफसरान, उनकी सैलरीज आपने देखी है, 60-60 लाख रुपए सैलरीज, 60 लाख रुपए एक एक अफसर को आप तनख्वाह देते हैं, उसके साथ उसको लैंड क्रूजर, उसके साथ उसको पेट्रोल, उसके साथ उसको 5-स्टार होटल, उसके साथ आप उसके बच्चों और उसके साथ वो पता नहीं क्या क्या। और बोझ आप जब बोझ देंगे, ये जो 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 चीज आप ला रहे हैं ना सर, ये वाली चीज है जो आपने हमें पेश की है, इसका क्या फायदा है सर? व्हाट इज दिस बेसिकली, मुझे बताएं। ये आप गरीब बंदे पे पकड़े ना जाकर, 300 कनाल वाले घर को भी पकड़े, अपने आप को ये और लीडरान को भी पकड़े, इनसे भी पूछे टैक्स का, जरा पूछे। आप कहते हैं अगर ये हम अमीर लोगों पे, आपने कौन से अमीर पे लगाया है? आपका जो डिपार्टमेंट है उसमें सारे चोर पड़े हुए हैं। कारखानादार से कौन रिश्वत लेता है, उसको चोरता है, मैं तो नहीं वो करता हूं। तो सर मेरी अर्ज ये है, कहते हैं जरा तीर की आती बैंक के कर्जे मैं माफ करूंगा, कहां पे कर्जे माफ कर दें? जहां पे तो सैलाब आए हैं उनके तो आपने कर्जे नहीं माफ कर रहे आप। ये गाजी खान, ये डेरा गाजी खान के आप यहां पे सिंध के मेरे भाई, उनसे जरा पूछिएगा, बलोचिस्तान के वहां पे सैलाब आया, कितने के कर्जे आपने माफ किए हैं? आपने उनको क्या सब्सिडी दी है, क्या फायदा दिया है? कुछ दिया है? नहीं सर। तो मेरी अर्ज ये है सर, वजीर खजाना साहब कहते हैं एयर फेयर पे 50,000 से रुपए से टिकट जब महंगा होगा तो वो उस पर 20% हम टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। सर आप देखिएगा, आप सब टैक्सेस आपके सबसे ज्यादा हैं हर चीज में। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पे टैक्सेस ही टैक्सेस हैं, कोई बेनिफिट्स नहीं है। अगर आप टैक्सेस लगाते हैं तो कोई बेनिफिट भी लगाओ ना। यहां पे हम खाली, हमें आवाम उस वक्त याद आती है जब आप वोट लेने जाते हो, तो उस वक्त जब जिस वक्त आप उस पर टैक्स लगाते हैं तो उस वक्त आपको सर याद नहीं आती। मेरी अर्ज ये है सर कि गरीब के लिए खाली नारा मत लगाओ, गरीब के लिए सोचो भी। बिजली महंगी करना ये ज्यादती होगी। आप लगाएं क्या इंडस्ट्रियल्स पे ज्यादा लगाएं ना सर, इंडस्ट्रीज वाले हैं पकड़े उस पे बिजली, उसको क्यों सब्सिडी दे रहे हैं? लेकिन अगर एक जिसका कच्चा घर है, जिसके घर में दो पंखे हैं सर, जो कि 15,000 रुपए सैलरी लेता है, या यहां पर यह जो पीएन कड़े हैं, इन गरीबों का क्या गुनाह है कि आप इस पर भी वो टैक्स लगाएंगे? अब और यहां पर यह शादी हॉल सर, मतलब एक मुसलमान का और कोई वो तो नहीं है ये शादी करके और इसमें इकट्ठे कोई पार्टी वार्टी वाले नहीं, पार्टी वालों पे लगाएं। लेकिन मुझे बताएं सर कि शादी या उसमें भी आप जो सुन्नत रसूल का वो है, अगर लोग इकट्ठे होते हैं और उसमें हमारा एक 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 शरई वो है, लोग अगर आते हैं और उसमें सब इकट्ठे होकर उसको खाना खिलेंगे और उस पर आप टैक्स लगाएंगे, उस वो मार्की वाला, वो होटल वाला, वो दुकानदार, खुदा की कसम सर हम लोगों से टैक्स लेता है, टैक्स कलेक्शन वाले चोर हैं, जो आपकी डिपार्टमेंट है वो चोर है। हम लोग टैक्स, पाकिस्तान की आवाम टैक्स देते हैं सर। आपकी इदारे
आप जरा एफबीआर को जरा पहले लगाम डालें ना सर, ग्रीन चैनल्स पे आपके वो स्मगलिंग होती है आपके यहां पे। आप ये वजीर खजाना साहब से मैं जरा पूछना चाहता हूं कि आपने कौन से कानून के तहत डॉलर माफिया के साथ नेगोशिएशंस की, कौन से कानून के तहत आपने 275 रुपए पे डॉलर उनके पास लेके गए, कौन सा कानून था मुझे बताएं। और कौन है इस मुल्क का मालिक जो कि अफगानिस्तान को डॉलर सीमेंट के बोझे और यूरिया की बोरियों में ले जाता है? मैं तो नहीं हूं सर, ना आप हैं, तो वो कौन मालिक है? उस मालिक से पूछा जाए कि ये डॉलर्स कैसे अफगानिस्तान को जाते हैं, ये यूरिया कैसे जाता है, ये आटा कैसे जाता है, मेरे बलूचिस्तान के भाई के लिए नहीं है, मेरे खैबर पख्तूनख्वा के भाई के लिए नहीं है, मेरे सदरन पंजाब के भाई के लिए नहीं है, लेकिन वहां पे अफगानिस्तान और उसके लोगों के लिए आटा और यूरिया है। मेरा अफगानिस्तान मुल्क नहीं है, मेरी लाइबिलिटी अफगानिस्तान नहीं है, बिरादरम मुल्क है, लेकिन मेरा मुल्क ये पाकिस्तान है। मेरा मरना जीना इस मुल्क के साथ है और इस लोगों के गरीब लोगों के साथ है। तो सर मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, इनकी मिनिस्टर साहब को अगर ये ऐसे ये जो मुआहदे हैं, इमरानी मुआहदा हुआ या डार वाला मुआहदा हुआ, इस हाउस में आना चाहिए। आईएमएफ के साथ इनने कौन से इरादे किए हैं? हमें डर लगता है, हमें डर लगता है जिस चीज के लिए ये कहते हैं, जिस चीज के लिए हमने पेट पे पत्थर बांधे हैं, चाहे वो एटम बम हो, चाहे वो और चीजें हो, चाहे अफवाज पाकिस्तान हो, उसके लिए हमने पेट पे पत्थर बांधे और हम ये टैक्सेस वो करते हैं। ऐसे नहीं हो कल उस चीज पे भी सौदा हो जाए। इसलिए आईएमएफ के जो मुआहदे हैं, चाहे इन्होंने किया है, चाहे इमरान नियाजी ने किया है, और चाहे वो आगे वाले हैं, वो सारे इस पार्लियामेंट को, यानी चाहे वो नेशनल असेंबली और सेनेट हो, उन दोनों में पेश होना चाहिए सर। वरना अगर आप ऐसे नहीं करेंगे, अगर आप पार्लियामेंट को बुलडोज करेंगे, अगर आप पार्लियामेंटेरियन आवाम की आवाज को खामोश करने की वो कर दें, याद रखिएगा इन सब पार्टीज को, और उन सब ये ना सोचें कि आज आपके साथ 300 ये लीडरान ये सोचते हैं कि वो एक लीडर 470 बंदे उसके सिक्योरिटी गार्ड, उसका जोर आप पाकिस्तान के गरीब बंदे पे डालेंगे? 170 फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी, पंजाब पुलिस, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, क्योंकि वो साबिका प्राइम मिनिस्टर होते हैं या प्राइम मिनिस्टर होता है या वो एक पार्टी का लीडर होता है, उसकी सिक्योरिटी पाकिस्तान के गरीब बंदा देगा? उसके लिए मेरा पेट काटा जाएगा, मेरे गरीब गांव वाले का पेट काटा जाएगा? तो ये जरा आप सोचें। आप पहले बिल पास करने से पहले आप कहते हैं आप हम सिंप्लिसिटी लाएंगे, हम वो करेंगे, आप जरा पहले अपने आप को आगे पीछे देखेंगे आप क्या कर रहे हैं। आप अपने अखराजात कंट्रोल करें तो फिर हम मानेंगे, ऐसे नहीं है। मैं आई विल नेवर बी अ पार्ट ऑफ सच बिल अनलेस एंड अंटिल आई सी द आईएमएफ बोथ द बिल्स ए एंड सेकंड थिंग इज, जो महंगाई का है ना सर, खुदा की कसम ये सीट क्या 10 सीट कुर्बान, कभी भी मैं वोट नहीं दूंगा। शुक्रिया सर, पाकिस्तान जिंदाबाद।